प्लस टीवी का ये पॉपुलर शो फाइनली टीवी से तो ऑफ एयर हो ही रहा है, लेकिन इस शो को लेकर आई है एक ऐसी बड़ी अपडेट जो आपके भी रोंगटे खड़ी कर देगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। क्या आप भी कलर्स टीवी के पॉपुलर शो फना इश्क में मरजावा के फ़ैन हैं, इस शो को देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए भी है एक बैड न्यूज़। ये शो वैसे तो 8 अगस्त से ऑफ एयर हो रहा है मेन स्ट्रीम से, ये आपको पता ही होगा। इसके बारे में हमने आपको पहले भी अपडेट दिया था, लेकिन अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है इस शो को लेके वो ये है, मेकर्स का कहना है कि मेकर्स ने इस शो को आगे चलाने का फैसला नहीं किया है। अब ये शो जब मेन स्ट्रीम से हटेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ज़्यादातर शो जो भी OTT प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होते हैं, बहुत ही कम शो हैं जो OTT प्लेटफॉर्म पर सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी मेकर्स उन शोज को ऑफर ही कर देते हैं। वरना इश्क में मर जावा कि मेकर्स ने भी ऐसा ही कुछ डिसीजन लिया है। इनका कहना है कि 8 अगस्त के बाद बेशक ये शो वुड पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन चंद दिनों के लिए, क्योंकि इस शो की राइटिंग अब समाप्त हो चुकी है, शो को अब ऑफर ही करना है फाइनली। इसी के चलते मेकर्स का कहना है कि हमने सिर्फ नए शो को आने के चलते इस शो को शिफ्ट किया है वुड पे, आने वाले दिनों में इस शो को कंप्लीट ऑफर किया जाएगा। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वूट से भी ये शो बहुत ही जल्दी ऑफर हो जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या मेकर्स ने कुछ ज़्यादा जल्दी कर दिया इस शो को ऑफर करने का डिसीजन ले लिया, या आपको लगता है कि ये season 1 बहुत बड़ा हिट था लेकिन season 2 वैसे भी डिजास्टर रहा है? आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Peace out.